देवर बीजा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना बेमित्रा सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम देवर बीजा की है, जहां पर रात्रि में देवर बीजा गैस गोदाम के पास एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर बेमित्रा सिटी कोतवाली का पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची, जांच करते हुए कब्जे में लेकर पेट्रोलिंग वाहन की मदद से बेमित्रा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पीएम होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वही कोतवाली पुलिस ने मामले में अज्ञात वाहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच की जा रही है। देवर बीजा के पास में रात्रि करीब 7:30 बजे सूचना मिली थी एक्सीडेंट पर, और मौके पर जाकर देखे तो देवर बीजा के ही मेघनाथ वर्मा की ड्राइवरी काम करता है। और अगली खबर कांकेर से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोरखनाथ बघेल और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में थाना कांकेर पुलिस ने एयर कंडीशनर की चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी अशोक केसरवानी संचालक ने थाना कांकेर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात में प्रार्थी के प्रतिष्ठान पर लगा एयर कंडीशनर का आउटर पैनल किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। विगत 22 तारीख को स्थानीय यहाँ मनोरमा ट्रेसेस के आउटर में एसी का पैनल चोरी होने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। उक्त मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उससे वो एसी का जो अगली खबर कोरबा से है, जहां दर्री थाना अंतर्गत बालक बाल गृह से लापता हो गया। युवक का शव 5 दिन बाद बरामद कर लिया गया है। आखिरकार गोताखोरों ने नहर में नहाते समय बहने से लापता हुए युवक का शव घटना के 5वें दिन ढूंढ निकाला। नहर के साइफन में शव फंसा मिला, जिसके बाद बाहर निकालने के बाद पुलिस ने पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप